अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इसी के साथ आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने गांव का विजिट करवाऊंगा, देखेंगे फसलें। और सर्दी आज काफ़ी बनी हुई है क्योंकि रात बारिश हुई थी, तो उस वजह से ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। तो आए ठंडी ठंडी हवा के साथ आपको मज़ा कराते हैं, अपने गाँव का विजिट करवाते हैं। आ जाओ जी। बेर का दरख्त है यहाँ पे, गर्मियों में लगते हैं बेर, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। इधर आए, आ जाओ इधर आए। ये देखें, ये अमरूद लगे हुए हैं, आपको दिखाऊं। ये देखें, ये अभी तो कच्चे हैं लेकिन ये थोड़े दिनों में, तकरीबन 15-20 दिनों में ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। और बहुत मज़े के हैं ये अमरूद खाने के। तो ये लगे हुए हैं मेरे साथ, ये वो पौधा वो अमरूद का, और साथ ये नींबू लगे हुए हैं, और साथ ये बड़ा पौधा, ये दरख्त, ये भी अमरूद का है। ये देखिए कितना ज़्यादा माशाल्लाह भरा हुआ है, और थोड़े दिनों में ये पक के तैयार हो जाएंगे खाने के काबिल। जिसने खाने हो वो आ सकता है। एन इधर आओ, आ जाओ। और ये भी सारे, ये देखिए उधर दिखाओ, ये देखें जी कितना प्यारा नींबू लगा हुआ है। और ये काफी सारे पौधे हैं, वो आगे तक सारे ही लगे हुए हैं। तो इसके साथ ये सारा चारा है जो कि जानवरों के लिए है, वो कमांड है, वो भी अभी हम खाते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो वो आपने देखा, इधर कुछ सब्ज़ी लगाई हुई है घर के लिए, ताज़ा तरीन सब्ज़ी जो भी ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ से तोड़ के उसे यूज़ करते हैं। बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और ये थोड़ी सफाई नहीं की, देखें इसके साथ ही ना सब्ज़ी के अंदर ही गंदम हो गई है, क्योंकि पहले यहाँ पर गंदम काश्त की गई थी। तो अभी हम यहाँ से कुछ तोड़ते हैं, शलजम तोड़ते हैं। ये लगाओ, अभी जी इसे सबसे पहले अपना हथियार निकालते हैं।
अभी इसको हम टेस्ट करते हैं। गांव की ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको हर चीज़ फ्रेश मिल जाती है। यहाँ ने क्या है, है? क्या ये जी कहते हैं गुगू, क्या खाना है? हाँ अच्छा, ये देखिए जी, यकीनन आपको भी मज़ेदार लग रहा होगा, ये अभी हम खाते हैं इसे। ये हो गया, यहाँ से इसे लेते हैं तोड़। ये जी आ जाओ, ये जी गंदम लगी हुई है ये सारी, और वो जी वो आपको सब सब नज़र आ रही है, सारी हमारी गंदम अल्हम्दुलिल्लाह काश्त की गई है। और ये अपना डेरे की बैक साइड है, हवेली की ना बैक साइड पे है, हमारी सारी ज़मीन इधर ही है। ये सैलीज है जानवरों के लिए जो मकई का बनाया जाता है, ये वो यहाँ पे पैक किया हुआ है ताकि बारिश शारी से बचाया जाए। ये अपनी हवेली का गेट आ गया, और अच्छा जी मेरा भाई जनाब अयान दो दफ़ा गिर गए, चोट तो नहीं लगी? नहीं, चले आगे चले, चलो जनाब दो दफ़ा गिर गए हैं लेकिन शुक्र है चोट नहीं लगी। कहाँ जा रहे हो? चलो आ जाओ चलें। ये जब भी बोलता कम है और इशारों से बातें करता मुझसे, ऐसे नहीं यार। चला दे चलो आ जाओ। ये जी तरह हम गन्ना तोड़ते हैं और सब्जी में गन्ना खाने में इसे इस तरह साफ करें से खाते हैं। आप तो खा नहीं सकते, और जिसने खाना अगेन उसे वेलकम करता हूँ, हमारे गांव आए हम आपको सब कुछ खिलाएंगे और दिखाएंगे। बहुत ही मीठा, बहुत ही मज़ेदार है, और कहते हैं कि गन्ना खाने से दांत तेज होते हैं और टूटते कम हैं, मजबूत होते हैं। तो आप भी गन्ना खाया करिएगा, ठीक है? चलें ऐन खाओगे? हाँ हाँ, इधर आओ ना। खाओ, उधर करो, हाय करो, ऐसे ऐसे करो, कैमरे में ना हाय कर दो, ऐसे ऐसे बाय बाय करें, ऐसे हाय ऐसे। चलें जी, आपको हाय कर दिया ऐन ने, अभी आगे चलते चलो। ये जो हमारी मकई पड़ी है, ये बारिश की वजह से अभी इसकी छिलाई नहीं की गई, जब धूप निकले गई तो फिर इसकी छिलाई होगी। और हाँ जी भाई क्या हुआ है?
क्या हुआ? अच्छा गन्ने लेने। अच्छा इधर आओ, इधर देखो, ऐसे ऐसे करो, आ जाओ। जी तो ये थी आज की वीडियो और ये मेरा गांव था, आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल होते रहें। अल्लाह हाफिज़।